हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। गेम में इम्प्रूव करने के लिए क्यूजन शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इसमें भी तीन टाइप के लोग होते हैं। नंबर वन, जिसको क्यूजन शॉट्स एकदम ही नहीं आता है, जो एट अ बिगनर लेवल पे है, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो सजेस्ट करूंगा, आप इसको देखें। इसमें मैंने बेसिक्स बताए क्यूजन शॉट्स की, एंड एट अ बिगनर लेवल ये आपका बहुत ही हेल्प करेगा। नंबर टू, वो लोग जिनको क्यूजन शॉट्स तो आता है बट वो उतना प्ले नहीं करते हैं। एंड नंबर थ्री, वो लोग जो रेगुलर बेसिस पे क्यूजन प्ले करते रहते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ चार ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जिसके हेल्प से आप अपने क्यूजन को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। एंड आज का ये वीडियो सभी के लिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, डोंट प्रैक्टिस ऑफलाइन। हाँ, अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ये ऑफलाइन प्रैक्टिस करने क्यों मना कर रहा है, तो थम जाओ भाई। देखो, ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, ऑफलाइन प्रैक्टिस करने में कोई मना नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन प्रैक्टिस मत करो, ऑनलाइन भी प्ले करो, ऑनलाइन गेम में भी क्यूजन हिट करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो ऑफलाइन तो क्यूजन प्ले कर लेते हैं, बट ऑनलाइन में उन लोगों का हाथ कांपने लगता है, ऑनलाइन वो लोग ठीक से क्यूजन प्ले नहीं कर पाते हैं। जितना ऑफलाइन सीखा था सब एक बार में निकल जाता है। वो जो गेम लूज करने का डर होता है, वो जो कॉइन्स खोने का डर होता है, जब तक वो डर नहीं निकलेगा तब तक आप लोग क्यूजन हिट नहीं कर पाओगे। एंड वो ऑनलाइन टेबल प्ले करने से ही निकलेगा। आप जितना ऑनलाइन टेबल्स प्ले करोगे उतना आपका अंदर का डर खत्म होते जाएगा। अब यहीं से हमारा सेकंड पॉइंट निकल के आता है, जो कि है, डोंट प्ले रोम और बर्लिन टेबल। अब फिर कुछ लोग बोलेंगे कि अरे भाई, नशा वशा की है क्या, हमें क्यूजन्स प्ले करने, और तू बोल रहा है कि क्यूजन्स वाले टेबल ही ना प्ले करें। तो रुको भाई, बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा आप लोगों कि आप एकदम ही प्ले ना करो। देखो, अगर आप रोम बर्लिन ये सब टेबल्स प्ले करोगे तो उसमें आपका कंपलसरी क्यूजन शॉट होता है, कि आपको अगर विन करना है तो आपको कंपलसरी क्यूजन हिट करना ही होगा, बिकॉज और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप हिट नहीं करोगे तो आप लूज हो जाओगे। बट वहीं अगर आप कोई और टेबल लाइक बैंकॉक हो गया, पेरिस हो गया, सियोल हो गया, इसमें आप नॉर्मल शॉट्स से विन कर सकते हो, बट अगर आप इसमें क्यूजन हिट करते हो तो सबसे पहला तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दूसरा आपके अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा, एंड तीसरा वो शॉट आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम कभी वो शॉट प्ले करोगे तो आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा। नाउ अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर थ्री की, एंड वो है, हिट क्यूजन इन राइट पोजीशन। जब भी आप क्यूजन शॉट्स हिट करें तो जिस पोजीशन में आपका क्यू बॉल है उस पोजीशन के हिसाब से कौन सा पॉकेट में आप क्यूजन हिट कर सकते हैं, आप सबसे पहले उसको क्लैरिफाई करें। आप सबसे पहले ये कन्फर्म करें कि आप जो पोजीशन में है उस पोजीशन से कौन सा क्यूजन शॉट्स आप आराम से प्ले कर पाएंगे। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, हम लोग कोई ऐसा पॉकेट चूज कर लेते हैं आपका जहां से क्यूजन शॉट तो पॉसिबल होता है, शॉट जाएगा वहां से, बट वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन होता है। आप क्यूजन हिट तो कर दोगे बट उसके बाद आपका क्यू बॉल कौन से डायरेक्शन में जाएगा उसका गारंटी नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप क्यूजन हिट करें तो एक राइट पोजीशन चूज कर लें। नाउ एट लास्ट बात करते हो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट की, जो कि है, यूज करेक्ट फोर्स एंड स्पिन। तो अगर आपका पोजीशन भी ठीक है, आपका एम भी ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, बट अगर आप फोर्स और स्पिन को मिसजज कर देते हो तो आपका राइट क्यूजन भी गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर्स की। कभी भी आप क्यूजन शॉट्स हिट करें तो वो ना ही स्लो फोर्स में हिट करें या ना ही सबसे हाई फोर्स में हिट करें। जब भी क्यूजन्स प्ले करें तो एक मॉडरेट फोर्स से ही आप प्ले करें। फॉर एग्जांपल, जब भी आप क्यूजन्स ले जाएं तो क्यू बार का जो हाफ होता है, हाफ के नीचे का आपको जो फोर्स होता है वो आपका एक मॉडरेट फोर्स होता है। ना ही ये फोर्स ज्यादा होता है और ना ही ये फोर्स सबसे कम होता है। आप अगर इस फोर्स को यूज करेंगे तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे। नाउ अब बात करते हैं स्पिन की। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सब कुछ सही होने के बावजूद अगर आप गलत स्पिन ले लेते हो तो क्या होता है, आपका ब्लैक और व्हाइट कोलाइड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका शॉट फेल हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप क्यूजन शॉट्स हिट करें तो आप एक परफेक्ट स्पिन देख ले कि इस शॉट पे कौन सा स्पिन जाएगा या इस शॉट पे कौन सा स्पिन यूज करने से मेरा ब्लैक और व्हाइट कोलाइड नहीं करेगा। आप शॉट के हिसाब से एक राइट स्पिन चूज करें। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किन किन तरीकों से आप अपने क्यूजन शॉट्स को बेटर कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया, अगर आपके पास ऐसा कोई पॉइंट हो जिसके हेल्प से क्यूजन बेटर हो सकता है तो प्लीज आप उसको कमेंट कर दीजिए कि जो व्यूवर्स हैं उनका हेल्प हो सके। तो ऑन दिस नोट मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो एड वर्क पूल से रिलेटेड इसी तरह मैं इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग वीडियोस में लाता रहता हूं, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यहां से प्रेस कर दीजिए कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तब तक के लिए कीप प्लेइंग एड, बाय बाय।